दिनभर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोटका प्रखंड में विधायक संजीव सरदार के प्रयास से रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 20 कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का किया गया चयन। बोड़ाम थाना क्षेत्र के मिर्जाडी में हुई हत्या से आक्रोशित परिवार वाले पहुंचे एसएसपी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के आगमन पर अब जमशेदपुर वासियों को मेरे शुभकामनाएं। ये तीनों त्योहार आप लोग हर्षोल्लास और सुरक्षित रूप से मनाएं। धन्यवाद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण इलाकों में शुमार पोटका प्रखंड में पहली बार क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के प्रयास से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर की 20 कंपनियों के द्वारा अलग अलग रिक्त पदों पर भर्ती ली गई। पोटका प्रखंड कार्यालय के पास एक दिवसीय दत्तोपंत ठेगरी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, जहां तकरीबन 2000 रिक्त पदों के लिए भर्ती कैंप लगाया गया। इसमें शिक्षा, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, फूड इंडस्ट्री एवं रिटेल चेन जैसी कंपनी शामिल हुई। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। उन्होंने तमाम युवाओं को इसका लाभ लेने की अपील की, साथ ही त्वरित नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। नियुक्ति प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। विधायक संजीव सरदार ने तमाम अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि आगे ये सभी अपने पढ़ाई को भी काम के साथ जारी रखें, ताकि आगे और ऊंचे पायदान तक ये चयनित हो सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास से ही यह रोजगार मेला लगाना संभव हो पाया है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री एवं श्रम मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वहीं नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके घर में रोजगार का साधन काफी कम है और इस मेले के माध्यम से उन्हें यह नौकरी प्राप्त हुई है। अब वे रोजगार कर खुद को स्वावलंबी बना पाएंगे, साथ ही आगे शिक्षित भी हो पाएंगे। इन्होंने विधायक संजीव सरदार के प्रयासों की सराहना भी की। और इस रोजगार मेला में लगभग 16 कंपनी आए हुए हैं और इस 16 कंपनी में से लगभग 1900 से 2000 हमारा युवा युवकों को रोजगार देने के लिए, और हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से, आज लगभग 1900-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और जो कि वास्तविकता ये है कि अगर हम लोग गांव तरफ जाते हैं तो कोई अभी वर्तमान समय में आदमी शिक्षित है, क्वालिफाइड है, लेकिन घर में बैठा हुआ है। ये एक संपर्क नहीं होने का कारण, जो भी सरकारी नौकरी आते हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की, ये तो ऑनलाइन चाहे प्रेस के माध्यम से मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया माध्यम है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि उन सारे कंपनी को ला के एक जगह और उसके पास रोजगार मेला का से लोगों तक, हमारे युवा युवक तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। बोड़ाम थाना क्षेत्र के मिर्जाडी में मनोज गोराई की घर में घुसकर तीन लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित परिवार के लोग मंगलवार को एसएसपी से मिलने के लिए गांव से शहर पहुंच गए। इस बीच परिवार के लोगों ने एसएसपी से कहा कि साहब, मुझे न्याय चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना के बारे में परिवार के लोगों ने बताया कि 3 दिनों पूर्व भरत सिंह, पंजू सिंह और बंटी सिंह के साथ मनोज की नोकझोंक और गाली गलौज हुई थी। इसके बाद मामले को सुलझा लिया गया था। बताया जा रहा है कि मनोज गोराई सोमवार को अपने घर पर सो रहा था, इस बीच भरत, बंटी और पंचू आए थे, हथियार घर की चार दीवारी पर रख दिया। इसके बाद घर में घुस गए और पीट पीट कर मनोज की हत्या कर दी। मनोज के परिवार के लोगों ने कहा कि वह पढ़ता था, अब उसकी हत्या के बाद परिवार के सदस्यों का सहारा ही उठ गया है। घटना के बाद सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं बल्कि बस्ती के लोग भी साथ में एसएसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे। इसे हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, वो लोग जब तक नहीं पूरा बार कहता गिरफ्तार होगा। भतीजा था, जिसका भतीजा था, भरत नाम का एगो लड़का है मेरा बस्ती में, उन्हें मारपीट किया जबरदस्ती। वो ऐसा लड़का नहीं है किसी को गाली करने वाला, छोड़ा दिया। उसके बाद फिर 3 आदमी आया, एक आदमी घर में घुसा, 2 गो बाहर में रहा, घर से घी मारा, इतना मारा कि मतलब और बचा नहीं। वो लोग 2 भाई है,
एगो भरत सिंह है और एक ठो का नाम है पंचू सिंह और उसका साथ आर एगो था उसका नाम सर बंटी बंटी। जमशेदपुर में अब चारों तरफ दीपावली की धूम नजर आ रही है, जहां हर कोई रोशनी के पर्व दीपावली की तैयारी में जुट गया है। वहीं बोकारो के चंदन केरी से कुम्हार दिवाली घर एवं कई आकर्षक सामग्रियां लेकर शहर पहुंचे हैं। इस वर्ष माटी के कलाकारों को अच्छे बाजार की उम्मीद है। दीपावली के घर एवं पूजा में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्रियां ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिसमें माटी के कलाकारों के हुनर को देखा जा सकता है। वही माटी कलाकार प्रकाश कुमकार ने कहा कि एक अच्छे बाजार की तलाश में हम सभी कलाकार बोकारो से जमशेदपुर का सफर तय करते हैं, ताकि दीपावली की सामग्रियां बेचकर हम अपने घर को भी दिवाली के दिन रोशन कर सकें। अभी दिवाली में समय है और हमें अच्छे बाजार की उम्मीद है। माटी कलाकार को सम्मान देने एवं माटी से तैयार सामग्रियां खरीदने आई महिला का कहना है कि यह हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें विरासत में मिली है और माटी से तैयार सामग्रियों का उपयोग हम पूजा के दौरान करते हैं। इन सभी सामग्रियों से जहां माटी कलाकारों की भावनाएं जुड़ी हैं, वहीं हम युवा पीढ़ी को भी अपनी परंपरा को जीवित रखने की अपील कर रहे हैं। लोग कुमकार है, हम बोकारो चंदन क्यारी से आए हैं। हम लोग यहाँ 50-60 घर पूरा बस्ती ऐसे ही काम मेरा दादाजी से लेके हम लोग यही जैसे चाइनीज को हटाना है, ये पूरा हस्तकला हम लोग यहाँ पर हर तरह का चीज़ बनाते हैं। हर साल जमशेदपुर में हम लोग मेला में भी फाउंटेन वाउंटन सब हाथी घोड़ा लालटेन घरगुन घरुंदा हर आइटम का हजारों आइटम का सामान हम लोग हर साल यहाँ बेचते हैं। घरुंदा आप हमेशा के लिए आप गार्डन में सजा के रखिए, ये ना जलने का डर ना फूलने का डर और थर्मोकोल थोड़ा सा आग का भय है और उसको सजा के रखना नहीं चाहिए। और ये हमेशा आप रखिए, गार्डन आइटम है घर में सजाने के लिए, कलर चढ़ाइए कलर भी चढ़ेगा, हमेशा आप आग का कोई भय नहीं है। हमेशा सजावट के लिए शुभ होता है ये दिवाली में घर हर घर में लेता है दीवा घरुंदा के शुभ के लिए है, हर दिन हर साल मिट्टी का दिवाली में लेते हैं। आदिवासी समुदाय सुहराय और वंदना पर्व की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। बता दें कि दीपावली के दिन आदिवासी समुदाय सुहराय पर्व मनाता है। इस दिन इनके द्वारा बैल और धान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोहराय के दिन कृषि कार्य संपन्न कराने में बैल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके मेहनत से उपजे अनाज की पूजा की जाती है। इसके पूर्व लोग अपने अपने घरों की प्राकृतिक तरीके से रंगाई पुताई करते हैं। इसकी तैयारी पिछले एक महीने से आदिवासी महिलाओं के द्वारा की जा रही थी, जहाँ पहले मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी को गोंद कर घरों को आकार दिया जाता है, फिर उसमें खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की जाती है। दीपावली के दिन आदिवासी किसान अपने अपने बैलों का चुमावन करते हैं, उसके बाद अगले दिन खेतों से धान की बालियां लाकर उससे बैलों का चुमावन कर खुले मैदान में बैलों का नाच कराते हैं। बता दें कि आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनके हर पर्व त्यौहार में प्रकृति संरक्षण का संदेश छिपा होता है। सोहराय और वंदना भी उन्हीं पर्व में से एक है। आधुनिकता के दौर में आदिवासी समाज आज भी परंपराओं का निर्वहन कर रहा है, यही इस समाज की खूबी है। गुरु खुट्टा करके पूरा फूल बनाते हैं, तब धान लेके आते हैं और दे देते हैं इधर से। नमस्कार, माँ दुर्गा के आगमन पर झारखंड के वासियों को विशेषकर जमशेदपुर के सभी वासियों को दुर्गा पूजा दिवाली एवं छठ की ढेरों शुभकामनाएं। साथ में मैं ये भी कामना करता हूँ कि आप सभी त्योहारों को हर्षोल्लास एवं सुरक्षित रूप से मनाएंगे। धन्यवाद। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीतकर लौटी झारखंड रोल बॉल टीम के खिलाड़ियों का सोमवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड रोल बॉल टीम में शामिल खिलाड़ियों के अभिभावकों ने माला पहनाकर अपने खिलाड़ियों कोच को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि रोल बॉल खेल को पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है, जहाँ पर झारखंड की महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन झारखंड पुरुष लीग राउंड अधिक जीत दर्ज कराने के कारण रजत पदक हासिल करने में सफल रही। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ जो झारखंड की टीम है वो 37 नेशनल गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और कोशिश किया था हम लोग कि गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, लेकिन छोटा सा कुछ होता है कि थोड़ा गलती के कारण हमें कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन हमारी दोनों टीम इतना अच्छा खेली है कि हमारे गर्ल्स टीम भी अपना दबदबा बनाए रखते हुए सेमीफाइनल तक गया। सेमीफाइनल में कुछ पॉइंट के कारण हम लोग फोर्थ प्लेस आ गए, इसमें थोड़ा सा हमारा उसमें भी चूक हुई है, लेकिन आने वाले समय हमारे झारखंड के लिए
टोटल जितने भी आज हमारे रोल बॉल की जो जो हिंदुस्तान में जो टीम है सब कम से कम डरने लगी है झारखंड की टीम से। और आने के बाद जो भी हम देख रहे हैं स्टेशन में जो हमारा जो स्वागत हुआ, हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतना भव्य स्वागत होगा और इतने मतलब लोग और इतने जो पेरेंट्स जो आएंगे और आप मीडिया वाले जो इतना तादाद पर जो आए हैं सभी के हम लोग धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। डोबो मुख्य सड़क के पास खुले क्वांटम ई स्कूटी के शोरूम का शुभारंभ हुआ जिसमें 1,10,000 से लेकर 1,45,000 के रेंज का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। क्वांटम ई स्कूटर में हर क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। क्वांटम ई स्कूटर एक बार के चार्ज में 65 किलोमीटर तक चलेगी। क्वांटम ई स्कूटर मध्य वर्ग को मद्देनजर में रखते हुए अपना स्कूटर बनाती है। 200 किलो तक का वजन ये स्कूटर लेकर जा सकती है। आगामी काली पूजा के सीजन में कंपनी की तरफ से 220 ग्राम के चांदी के सिक्के और कई आकर्षक उपहार मिलेंगे। हमें हमारा आज ये शोरूम का उद्घाटन हुआ है और कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया और एक ग्रीन इनिशिएटिव को आगे लेने के लिए हम लोग अपना सारे वर्क कर रहे हैं। और आगे अभी रिसेंटली हमने और भी जगह पे ओपनिंग की है। रिसेंटली हमारा रांची में भी ओपन हुआ है और हजारीबाग ओपन हुआ है, धनबाद अभी होने वाला है, बोकारो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जमशेदपुर है, अभी सरायकेला में हमारा शोरूम है। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 डीलर जो है ऑलरेडी झारखंड में आ चुके हैं। इसी तरह से बिहार भी हमारा स्टार्ट हो गया है, उड़ीसा भी अच्छा मार्केट हमें अभी हमारा ऑफ़र वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए। जो भी लोग हमारे इस दिवाली या धनतेरस के मौके पर गाड़ी खरीदते तो उनको एक 20 ग्राम्स का सिल्वर का कॉइन्स मिलेगा और इसके अलावा एक लकी ड्रॉ कूपन का वो जीत सकते हैं जिसमें कि एक 32 इंच का LED सैमसंग की TV उनको मिल सकती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।